हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दोस्तों 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया। टाइम टेबल में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं वही मैं आज को आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको पहले भी टाइम टेबल के बारे में जानकारी दे दी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, यह ऑथेंटिक जानकारी रिलीज कर दी गई है एमपी बोर्ड ने। आप अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता चलूं कि 10वीं और 12वीं का जो टाइम टेबल आ गया है दोस्तों, इसमें टाइम टेबल क्या है, तो 8 बजे सुबह से 11 बजे तक आपका पेपर लिया जाएगा दोस्तों, यानी 3 घंटे का पेपर होगा। ये देख सकते हैं परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा वर्ष 2021 है, और जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा रेगुलर और प्राइवेट, दृष्टिहीन, मुक्तिवर्य, दिव्यांग छात्रों सबके लिए एक ही टाइम टेबल रखा गया है इस बार। ठीक है दोस्तों, अलग अलग टाइम टेबल नहीं रखे गए हैं, बोर्ड ने इस बार सभी को एक साथ पेपर देने की अनुमति दे दी है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर शुक्रवार 30 अप्रैल के दिन पहला पेपर होगा दोस्तों हिंदी का। यहाँ पर जनरल हिंदी और स्पेशल हिंदी दोनों के पेपर एक साथ लिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेपर 1 तारीख यानी 1 मई को होगा। फिर दूसरा होगा, आपके सामने देख सकते हैं, 3 तारीख को सामाजिक विज्ञान का, 4 तारीख को विशिष्ट भाषा वालों का होगा, जैसे संस्कृत हो गए, उर्दू हो गए, इन छात्रों का यहाँ पे पेपर लिया जाएगा दोस्तों। फिर 5 तारीख को दोस्तों आपका स्पेशल संस्कृत लिया जाएगा, और ये देख सकते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जो आप देख सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज जो होती है दोस्तों उनका पेपर लिया जाएगा। 6 तारीख का आप देख सकते हैं मराठी, गुजराती, पंजाबी, जो थर्ड लैंग्वेज होती है उनका पेपर लिया जाएगा। फिर अगला जो है तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 6 तारीख के ही दिन विज्ञान का भी पेपर लिया जाएगा। 6 तारीख के दिन ही दोस्तों विज्ञान का पेपर लिया जाएगा। फिर इसके बाद 8 तारीख के दिन विज्ञान का पेपर लिया जाएगा। 11 तारीख के दिन दोस्तों इंग्लिश का पेपर होगा, और वहीं 15 तारीख के दिन दोस्तों मैथ का पेपर लिया जाएगा। इस तरह से आपका 30 अप्रैल से पेपर शुरू होकर के 15 मई को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बात कर ले दोस्तों आपकी गाइडलाइंस क्या दी गई, तो कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से आपको कोरोना की सभी गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, ताकि आप कोविड से बच सकें और अपने एग्जाम पेपर को आसानी से कर सकें। बाकी आप कुछ गाइडलाइन का पालन पहले से भी कर रहे हैं और उनको फॉलो अप करते रहिए, वही गाइडलाइन आपको बोर्ड एग्जाम में फॉलो करनी होगी दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं 12th टाइम टेबल की, तो 12th टाइम टेबल सेम ही है, 8 से आपको 11 पेपर लिया जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा, नियमित स्वाध्याय, दृष्टिहीन, मूक बधिर यानी दिव्यांग छात्रों सहित सबके लिए एक ही टाइम टेबल जारी किया गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जो 12वीं का पेपर होगा वह 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। टाइम जोन जो बात कर ले दोस्तों, तो 8 से 11 ही पेपर यहाँ पर भी लिया जाएगा दोस्तों। पहला पेपर आपका हिंदी का ही होगा, एंड सेकंड पेपर में आप देख सकते हैं सेकंड लैंग्वेज में रहेगी संस्कृत, या फिर विशिष्ट संस्कृत, या फिर सामान्य संस्कृत के रूप में। ठीक है, अगला पेपर आप देख सकते हैं 4 तारीख को होगा, यहाँ पर फिजिक्स रहेगी और अन्य संकाय के आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पेपर होंगे। फिर देख सकते हैं 5 तारीख को, 6 तारीख को, 8 तारीख को और 10 तारीख के अलग अलग पेपर लिए जाएंगे अलग अलग समूहों के। फिर आपके 11 तारीख को पेपर होंगे, 11 के बाद 12 देंगे आप, 13 को, 17 को और 18 को, 18 को 12वीं का यानी 18 मई को 12वीं का लास्ट पेपर लिया जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, भारतीय संगीत यानी इंडियन म्यूजिक, ये जो है तो 12वीं का लास्ट पेपर होगा दोस्तों। इस तरह से 12वीं का पूरा टाइम टेबल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं आपका किस टाइम पर क्या क्या पेपर्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी फिट कर लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपको एक प्री बोर्ड देना है एग्जाम दोस्तों, प्रैक्टिकल के एग्जाम देना है, साथ में आपके अर्धवार्षिक के पेपर तो शुरू हो चुके हैं दोस्तों। तो अभी आप बिल्कुल टाइम टेबल पर ध्यान मत दीजिए, अभी आप अर्धवार्षिक पेपर को ध्यान दीजिए। जैसे आप 9 तारीख को फ्री होते दोस्तों, इसके बाद अपना एक रणनीति स्ट्रेटजी बनाइए, और आपको इस बार बोर्ड एग्जाम को क्लियर करना है तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से स्ट्रेटजी को फॉलो अप कीजिए और उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करिए, ताकि आपके जो कोर्स है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। आपको कोर्स के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का डाउट लगता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे चैनल के साथ आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां से भी आप पर्सनली हमें चैट कर सकते हैं, वहां पर आपको जो भी डाउट लगता है वो क्लियर किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।